ना, ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। मतलब आप तो कह रहे हैं 17,000 रुपए चले गए सीधा। देखो दोस्तों, आज मैं एक उबर में बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, और ड्राइवर भाई बता रहे हैं, मिस्टर दीपक हैं ये बता रहे हैं कि कैसे हैक होता है, इनके अकाउंट से 200 रुपये हैक हो गए। ठीक है, वो तो इनके अकाउंट में 200 थे और 200 हैक होते हैं, और ये बता रहे हैं कि वो आपको ऊबर के लिए कॉल करेगा कि मैं ऊबर से बोल रहा हूँ, और उसकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और आपके वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या लाइसेंस नंबर, और जैसे ही लाइसेंस नंबर देंगे ऊबर का अकाउंट हैक हो जाएगा और ऊबर में जो पैसा होगा वो हो जाएगा। तो दीपक जी, आपके कितने पैसे गए हैं अभी तक? 200 रुपए गए हैं। और किस्सा कैसे शुरू किया उन्होंने? नहीं नहीं, उन्होंने मेरे से लाइसेंस नंबर मांगा ना। अच्छा, मैंने लाइसेंस नंबर, उन्होंने मेरे को ये बोला कि वेरीफाई कराइए, तो वेरीफाई में क्या चाहिए था, लाइसेंस का नंबर बोलिए जो आपने ऊबर में दिया हुआ है। मैंने लाइसेंस नंबर बता दिया, मेरा अकाउंट हैंग हो गया। और शुक्र था कि मेरा कमाया हुआ पैसा ऊबर के पास 200 रुपए थे, इसलिए वो 200 रुपए उसके काम में चले गए। और ये कब की बात है? ये बात कोरोना से पहले की है। अच्छा, कोरोना से पहले, मतलब इस बात को के 3 साल। और तो उसके बाद 3 साल मैंने कम से कम 2 महीने धक्के खाए अकाउंट खुलवाने के लिए। अकाउंट ही ऊबर अकाउंट ही नहीं खोलता ना, जहाँ पर चीटिंग करी है। ओके, किसी और को दी है, और मैंने गाड़ी किसी को दी नहीं। तो 2 महीने के बाद मेरा अकाउंट खुला, तो ऊबर ने फिर मान लिया कि हाँ हम चीटिंग हुई है उनके। उसने ये बताया कि जब तक साइबर की ड्यू इंटेलिजेंस नहीं हो जाएगी, जब तक अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर लेंगे, हाँ वाकई में हैक हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बिना नहीं हो सकता है। ये तो उन्होंने खुद एडमिट किया कि 70-80 लोगों के साथ हुआ है, बट ये कई गुना ज्यादा होगा, जो एक्चुअल फिगर नहीं बताई है वो भी उन्होंने। ओके, मैंने उनसे ये भी बोला कि भाई अगर मेरा पैसा किसी और अकाउंट में चला गया है, हाँ, वो भी तो अकाउंट आपके में रजिस्टर्ड होगा आपके ऊपर में, हाँ, उस बंदे का मोबाइल नंबर दे दो, उसका एड्रेस दो, मैं तो घर पहुंचता हूँ, नहीं देना। ओके, देखिए दोस्तों, किस किस तरह के हैक चल रहे हैं, मतलब जो माइंड है हैकिंग का वो एक अलग ही माइंड सेट है, किस किस तरीके से लोग करते हैं। तो दीपक जी, उसके बाद तो आपको कभी दोबारा से नहीं हुआ? आप ज्यादा सावधान हो गए। आप बहुत सावधान, आप तक कोई पूछता है ना, मैं बोलता हूं भाई बंद कर दे, मैं ना ऊबर ऑफिस आ जाऊंगा। ओके, कुछ भी कोई पूछता है ना, सीधा जवाब मेरा यही होता है, यहां तक से बैंक से भी ऑफर आते हैं भैया, ऐसा है मेरे को कुछ नहीं करना, बंद कर दो। ओके, तो यहां से राइट से निकाल लेंगे, अंदर उधर बहुत ट्रक होते हैं, बहुत ज्यादा ना नहीं होंगे, शॉर्टकट पड़ेगा आपको। चलो ठीक है ना, शॉर्टकट की बात नहीं है, उधर चलो उधर से निकाल लो, डीएनडी से। हाँ, मैं जनरली इधर से निकल जाता हूँ सिटी से ना। नहीं, अब इस टाइम सही है, दिन की तरफ से ठीक है। इसीलिए ब्राउज चेंज करते रहते हैं ना, जो आप बता रहे हैं चेंज करना, इसीलिए कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। और ये करता होगा ऊपर का स्टाफ जो निकला होगा ना काम छोड़ के, वो ये सब करता होगा, दूसरे बंदा कर ही नहीं सकता। ओके, ऊपर के ऐप पे एक पैसा एक ऐप पर होता है, वो ऐसा कर कुछ कर दे, फर्जी दिखा देता है। ओके, और वो क्या करता है, अपने आप को दिखा देता है गाड़ी का ऑनर, और हमें बना देता है गाड़ी का ड्राइवर, इसलिए उसको पैसा उसके ऊपर चला जाता है।